इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी संजीव सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस से प्रदेश महासचिव उत्तराखंड के आप राजपाल सिंह खरोला, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले संजीव जी आपसे सवाल, एक तरफ कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी राहत जरूर है, मौत के आंकड़ों में भी थोड़ी राहत है, लेकिन तीसरी लहर की चेतावनी के बीच तैयारी क्या है? मैडम नमस्ते, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी राजपाल जी को मेरा प्रणाम। अभी ऋषिकेश की मैं आपको बात बता रहा हूँ, डीआरडीओ द्वारा केंद्र सरकार की मदद से 500 बेड का जो हॉस्पिटल बन रहा है और बहुत बड़े स्तर पे हमने तैयारी कर रखी है किसी भी मोर्चे के लिए। और जैसे कि दूसरा कुमाऊं में 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, तो हम पूरी तरह से, हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने देखा होगा अभी हमारे जो माननीय गन्ना मंत्री हैं वो पीपी किट पहन के कोरोना पेशेंटों के बीच में खुद देखने गए कि उनकी स्थिति क्या है। कल आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पीपी किट पहन के पहाड़ के जितने अपने जिले हैं वहां पे पेशेंटों के बीच में खुद खड़े हो रहे हैं। ऐसे नेता आपको नहीं मिलेंगे। और कुछ जो राजनीति कर रहे हैं आज संकट की घड़ी में, मैं सोचता हूँ यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राजपाल जी, क्या वाकई में सिर्फ राजनीति की जा रही है? देखिए पूजा जी, मुझे बहुत ज्यादा तो उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जितना भी मैं सुन पाया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस इमारत की नींव तिरछी रख दी जाए ना, वो इमारत कभी सीधी खड़ी नहीं होती है। बिल्कुल, जब आपने ट्रंप के स्वागत में पहली नींव तिरछी रखी स्वागत करने में, दूसरी नींव आपने तिरछी तब रखी जब आप वेस्ट बंगाल का चुनाव कर रहे थे और 5 राज्यों का चुनाव आपके लिए जरूरी था, और 5 राज्यों के चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव भी बहुत आवश्यक है। तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ तक हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड आज हिंदुस्तान के टॉप 10 शहरों में है। पूजा जी, आप जो आंकड़ा भी बता रही थी वो बिल्कुल ठीक बता रही थी। और उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य, जब हिंदुस्तान में 1 लाख मरीज पहली बार हुए थे तो पूरा हिंदुस्तान डर गया था कि 1 लाख संक्रमित लोग हिंदुस्तान में हो गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आंकड़े आपने दिए हैं, इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक अगर आप देखें तो अकेले देहरादून जिले में 1 लाख संक्रमित अभी तक हो चुके हैं। तो आप बताइए, आज उत्तराखंड जैसे छोटा राज्य, जो पर्वतीय राज्य है, जहाँ पर कहीं प्रदूषण नाम की चीज नहीं है, उस राज्य को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता हो कि गाय ऑक्सीजन देती है, और दूसरा मुख्यमंत्री ये कहता हो कि हम 18 साल के नौजवान को ऑक्सीजन लगानी हमने शुरू कर दी है, और अब जो अभी के हमारे मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि कुंभ में नहाई है, गंगा में डुबकी लगाई है, आपका सारा कोरोना भाग जाएगा। इस तरह के साइंटिस्ट मुख्यमंत्री जिस प्रदेश को मिले हो, उस प्रदेश का बोला करा खड़ा तो निश्चित है। संजीव जी, बच्चों का इलाज कैसे हो तीसरी लहर में, ब्लैक फंगस की चुनौती, तमाम चुनौतियां आपके सामने, क्या कुछ तैयारी? जैसा कि मैंने तैयारियों को लेकर सवाल पूछा, सवाल इसलिए भी है क्योंकि ब्लैक फंगस के मामलों की अगर बात की जाए, देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद ये रिपोर्ट बताई है कि 50% ब्लैक फंगस से लोगों की जान जा रही है। ये आंकड़ा सबसे ज्यादा डरा रहा है कि जो ब्लैक फंगस है उसके लिए तैयारी क्या की जा रही है, क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं कि इंजेक्शन की कमी हो रही है, जल्द से जल्द इंजेक्शन की कमी को पूरा कीजिए। मैडम आपको छोटी सी मैं बात बताता हूँ, अभी पिछले 21-22 तारीख से जो ये सेकेंड वेव का पीरियड चला था, 23 तारीख को उत्तराखंड भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हेल्पलाइन नंबर चलाया गया था अगले दिन ही, और 4,500 से ज्यादा कॉल हमने 24 घंटे, मतलब ये नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट, हमने 24 घंटे, और कईयों ने टेस्ट भी करा था कि चल रहा नहीं चल रहा है। 750 ऑक्सीजन सिलेंडर उस 24 तारीख से मेरे पे रिकॉर्ड रखा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे द्वारा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यालय प्रभारी के नाते पूरे क्षेत्र में हमने डिस्ट्रीब्यूट करा। हमने किसी की मदद किए सारे नहीं बैठे कि हमको कोई मदद करेगा, हम भी स्वयं के नाते तैयार रहे। हमने फ्री एम्बुलेंस चलाई, जो अभी फ्री एम्बुलेंस की राजनीति चल रही है पूरे प्रदेश में,
हमने 20 दिन पहले हमारी फ्री एम्बुलेंस चल चुकी थी, हमने डाला ढिंडोरा नहीं पीटा कि हमने क्या करा, एक गाड़ी चला दिया। सरकार है अगर बीजेपी की तो इसमें ढिंडोरा क्या पीटना है, जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी का निर्वहन तो करना पड़ेगा। ये जो काम करा है ये स्वयं से करा है, स्वयं के खर्चे से करा था हमने, जो सरकार करी थी वो भी करी। हम बोले मानवता के नाते हम कुछ ये काम भी कर सकते हैं, और सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल फ्रंट फुट पे खड़ी है, जहां भी उनको आवश्यकता पड़ रही है कि लोगों को आवश्यकता है दवाई की हो चाहे स्वास्थ्य की हो, हर चीज के लिए खड़ी है। माननीय सांसद जी द्वारा अभी लोकसभा में 2.5 करोड़ रुपए फिर कोविड के राहत सामग्री के लिए दी गई, जिसमें वेंटिलेटर बेड थे, जिसमें अपना ऑक्सीजन गैस था, ऑक्सीमीटर था, फ्लो मीटर था। तो ये सब चीजें कंटिन्यू हमारी जो सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार यहाँ पे अपना जो DRDO का कैंप है उसका विजिट करने आ चुके हैं, वो देखने आ चुके हैं। तो इन सब चीजों में अभी ऑक्सीजन प्लांट की IDPL में उसकी व्यवस्था के लिए चल रहा है, और देवप्रयाग में ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने वाला है। तो ये सारी चीजें सरकार द्वारा ही करा जा रहा है, और मगर ये जो नेगेटिव फैला रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लोगों का मोरल डाउन कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ लोगों का मोरल अप करने की जरूरत है कि हम आपके दुख में खड़े हैं। ये मोरल डाउन करके लोगों को डरा रहे हैं कि आप लोगों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको गवाही दे रहा हूँ, मेरे सामने अगर आप बोलोगे 100 से ज्यादा लोगों को मैं ऐसे दे सकता हूँ जिनको हमने हेल्प दी, उन्होंने थैंक करा है कि आपके कारण हमारी जान बच गई है। लाखों लोगों में अगर 1000 लोगों तक मदद पहुंचेगी, बाकी लोग कहाँ जाएंगे संजीव जी? बाकी लोग भी तो है, उनका भी तो ध्यान रखना है। ठीक है, आपके पास आऊंगी मैं। ठीक है राजपाल जी, खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय ने ये सवाल किया है, और ये आरोप भी सीधे तौर पर सरकार पर लगाया है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट की कमी है, क्योंकि तीसरी लहर की चेतावनी लगातार दी जा रही है। इस बीच ये प्रश्न लाजमी है खड़े होने की, क्या चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं? उन्होंने कहा कि नहीं है, और खुद मंत्री सुबोध उनियाल ने इसको स्वीकार किया है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट की कमी है। पूजा जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, किशोर उपाध्याय जी ने भी बिल्कुल सही कहा है। जो मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले आपसे करी थी कि जो लोग पहली लहर से ये नहीं सीखे कि हमको आगे आने वाली दिक्कतों का सामना कैसे करना चाहिए, मैं समझता हूँ दूसरी लहर के बाद जो तीसरी लहर होगी, सारे दुनिया के विशेषज्ञ बता रहे हैं तीसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि वो बच्चों के ऊपर अटैक करेगी, और एक वयस्क व्यक्ति अपनी देखभाल हॉस्पिटल के अंदर कर सकता है, लेकिन उस बच्चे का क्या होगा, जो छोटा बच्चा होगा जो इस पीड़ा में रहेगा, उसकी माँ या उसके पिता को उसके साथ रहना पड़ेगा, वो भी संक्रमित होंगे, और ये और ज्यादा प्रचंड रूप लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 1 लाख का आंकड़ा पार हुआ था तब हम लोग घबरा गए थे, अब हिंदुस्तान ने 4 लाख का आंकड़ा पार किया है, और 4 लाख के आंकड़े के बाद भी अगर इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 45 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को आपने पहले कहा 28 दिन बाद टीका लगेगा, उसके बाद आपने कहा 40 दिन बाद लगेगा, फिर आपने कहा 60 दिन बाद लगेगा, अब आप कह रहे 90 दिन बाद लगेगा। कोई आधिकारिक सूचना सरकार नहीं दे रही है, न देश का प्रधानमंत्री ये बात बताता है, न प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बात बताता है, और न कोई ऐसा व्यक्ति ये बात बता रहा है कि कितने दिन बाद टीका लगाने से फायदा होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये अंदर की बात क्या है, ये टीका की डेट आगे 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 सिर्फ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इनके पास वैक्सीन नहीं है, इनके पास वैक्सीन की कमी है। इसलिए जब 18 साल के बच्चों को लगना शुरू हुआ था उस वक्त भी 3 दिन के बाद वैक्सीन बंद हो गई थी, और पहली डेट भी जो थी वो भी आगे बढ़ाई गई 2 बार, क्योंकि 18 साल वाले के लिए वैक्सीन नहीं थी। फिर विशेषज्ञों ने कहा कि 18 साल वाले से पहले आप 2 डोज वाले को डोज पूरी करिए। अब ये इस अगर में लटके हुए हैं कि 18 साल वाले को पहले लगाएं या 45 वाले को पहले लगाएं, इस मंगार में है। जहां तक ये बात एम्स की कर रहा है, मैं उसी विधानसभा का रहने वाला हूँ जो आप बात कर रहे हैं कि एम्स में लोगों का इलाज हो रहा है, मुझसे पूछिए, मैं ऋषिकेश में रहता हूँ, विधानसभा का चुनाव हो रहा है ऋषिकेश से, और आपके विधानसभा के अध्यक्ष भी ऋषिकेश के हैं, ऋषिकेश एम्स में किसी व्यक्ति का भी इलाज नहीं हो पा रहा है, वहाँ सारे पेड़ फूल है, और यहाँ तक कि उत्तराखंड के लोगों का भी इलाज नहीं हो पा रहा है, और ऋषिकेश का तो मैं समझता हूँ 2% लोग जो वहाँ पर जिनका इलाज हो पा रहा है। आप DRDO की बात कर रहे हैं, DRDO तो केंद्र सरकार ने भेजा, उत्तराखंड सरकार ने क्या किया उसके लिए? ऑक्सीजन प्लांट केंद्र सरकार ने भेजा, उत्तराखंड सरकार ने क्या किया उसके लिए? आप मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब 18 साल के नौजवान को टीका लगना शुरू हुआ था तो उस वक्त टीकाकरण के कार्यक्रम का उद्घाटन करने की क्या आवश्यकता थी? आप राजनीति करते हैं, कांग्रेस को आप कह रहे हैं कि हम तदंतर बता रहे हैं, हम पैनिक कर रहे हैं। आप ये बताइए कि 18 साल के नौजवान को जिस दिन टीका लगना शुरू हुआ था उन कैंपों के उद्घाटन समारोह की क्या आवश्यकता थी? आपको उद्घाटन करना है, और इसका जवाब आपके मुख्यमंत्री को देहरादून में मिला, वहाँ उनको अब तक सुनने पड़े, और विधानसभा के अध्यक्ष
जो ऋषिकेश में 2.5 घंटा लेट पहुंचे, उनको यहाँ की महिलाओं ने अपशब्द बोल करके वहां से भगाने का काम किया। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ पूजा जी, कि जिस तरीके का व्यवहार आज प्रदेश की सरकार कर रही है, जिस तरह की राजनीति कर रही है, इस कोरोना काल में भी लोगों का दुख दर्द इनको नहीं दिख रहा है, ये उद्घाटन करने में मस्त है, ये बयान देने में मस्त है, और आज आप मौन व्रत कर रहे हैं। आप पूजा जी, इनके प्रदेश अध्यक्ष आज मौन व्रत पर है, क्या सरकार कभी मौन व्रत रखती है? आज हर व्यक्ति, बच्चा से लेकर छोटा बुजुर्ग महिलाएं सवाल पूछ रही है, आपको सवालों का जवाब देना है, इसलिए आप सरकार में है। मौन व्रत तो विपक्ष करता है, सत्ताधारी पार्टी मौन व्रत करेगी। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, क्या वाकई में, क्या वाकई में मौन व्रत रखा जा रहा है? क्योंकि आपके पास सवालों का जवाब नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, कई तरह के आरोप राज्यपाल जी ने लगाए, मैं चाहूंगी सबसे पहले आप उनके जवाब दीजिए, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, इसके लिए क्या रणनीति है, वो भी आप बताइए। मैडम, इन सब चीजों के लिए हमारी सरकार तैयार है, और जैसे कि अभी ये बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपडेट करा है कि हर गाँव में सरकार द्वारा कोरोना टेस्ट करा जा रहा है, गांव-गांव जाके पूरी टीमें भेजी जा रही हैं, हर दिन एक चार्ट मैप डाला, आज किस गांव में कोरोना टेस्ट होगा। वैक्सीनेशन की बात है, जिस हिसाब से लौट आ रहे हैं उस हिसाब से वैक्सीनेशन हमारे क्षेत्र में हो रही है, क्योंकि विपक्ष ने एक मुद्दा बना लिया है कि बस विरोध करना है, कुछ भी हो, लोगों की हेल्प नहीं करनी, लोगों की सहायता नहीं करनी है, भाई ये कि सरकार कुछ भी करे, अच्छा कुछ भी काम हो रहा है उसको नेगेटिव प्रेजेंट करना है, जैसे कि इनका टूल किट के माध्यम से आपने देखा होगा कि बस एक विरोध करते रहो सरकार का और कुछ नहीं करना। आप ये बताइए कि हमारे क्षेत्र में, हम इनको, हमने आपको बोला है कि भाई जब हमारे क्षेत्र में सब जगह लोगों का कोरोना टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो ये उसका भी विरोध कर रहे हैं कि वो उनको दिख नहीं रहा है। जब गांव में आप जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, तो लोग बताएंगे कि भाई हमारा टेस्ट हुआ है, तो ये हर चीज में विरोध करना ये अच्छी चीज नहीं है, और अभी सरकार आने वाली वेव के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। लेकिन संजीव जी, सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संस्थापक अनु नौटियाल ये कहते हैं कि बच्चों के देखभाल कैसे करना है, आने वाले दिनों में जब तीसरी लहर आएगी उस दौरान किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, अभी तक न स्वास्थ्य विभाग की तरफ से न ही सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई गाइडलाइन, कोई SOP जारी की गई। मैडम, उनका अपना बोलना होगा, हमारा ये मानना है कि सरकार फील्ड में उतर के पूरा कार्य कर रही है, हर चीज के लिए तैयार है, चाहे केंद्र द्वारा, तो क्या बच्चों के लिए अलग से वार्ड तैयार किए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, कहाँ कहाँ तैयार किए गए हैं संजीव जी? जो अभी जो अपना DRDO का यहाँ पे ये बन रहा है, इसमें बच्चों का भी, बच्चों के लिए भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा, इसमें अपने जितने भी ये सरकारी संस्थान है उसमें भी बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए, पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहां पर टेस्टिंग को और तेजी से कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या काम किया जा रहा है, किस दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार? मैडम, पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी है, हमारा जो संगठन है भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा, हमको दिशा निर्देश हुआ है कि हमारे जिले के जितने पदाधिकारी हैं, हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग पीड़ित हैं, उनके जो गांव में दुर्गम है, जहां पे थोड़ी समस्या है, वहां पे जाके उनकी समस्या पूछेंगे, जहां पे टेस्टिंग नहीं हुई है वहां पे टेस्टिंग के लिए हमारे माननीय जो हमारे वहां पे विधायक होंगे, मंत्री होंगे, या सरकार को सूचना करेंगे, उनके माध्यम से वहां हेल्प करी जाएगी। ब्लड डोनेशन कैंप हर जिले में, हर मंडल में, 250 से ज्यादा मंडल है पूरे प्रदेश में, सब जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा। तो इस युद्ध स्तर पे हमारा हर संगठन कार्य करने में लगा हुआ है, मगर मेरा यही बोलना है कि बेवजह आप नेगेटिव ना फैला के कुछ पॉजिटिव बात करना शुरू करें, पॉजिटिव काम करना शुरू करें। मैं बोलता हूँ हर लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार। क्या बोलना चाहिए विपक्ष को कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जो लोग मर रहे हैं उसको अनदेखा कर दिया जाए, आंकड़े जो छिपाए जा रहे हैं, जैसा कि आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, उसे ना कहा जाए, क्या कहना चाहिए कांग्रेस को? चलिए उन्हीं से जवाब ले लेते हैं, राज्यपाल भी जवाब दीजिएगा। पूजा जी, मेरे को इनकी बातें सुनकर के ये माहौल तो हंसने का नहीं, लेकिन हंसी आ रही है। ये कह रहे हैं कि हमने पंचायतों में जाकर के टेस्टिंग शुरू करा दी है। अब मैं आपको बताता हूँ उसकी हकीकत क्या है। ऋषिकेश विधानसभा में 16 ग्राम पंचायतें हैं, एक ग्राम पंचायत में एक दिन टीम जाएगी जांच करने के लिए, 16वें ग्राम सभा का नंबर 16 दिन बाद आएगा, इन 15 दिनों में ग्राम सभा के लोगों का क्या हश्र होगा वो आप समझिए। और जिस ग्राम सभा में आज जांच हो गई, तो क्या पूरे उत्तराखंड में सिर्फ एक टीम काम कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं राज्यपाल जी? जी जी, क्या कह रहे हैं? क्या पूरे उत्तराखंड में सिर्फ एक टीम काम कर रही है?
ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि एक राम सभा में एक दिन जाएगी। जैसे मैं ऋषिकेश विधानसभा की आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऋषिकेश विधानसभा में 16 ग्राम पंचायतें हैं जी। तो एक ग्राम पंचायत में एक दिन जांच के लिए एक दिन जाएगी, उसके बाद अगली ग्राम सभा में जाएगी। तो 16वीं ग्राम सभा में जब वो पहुंचेगी तो 16 दिन का गैप हो जाएगा। मैडम मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, इसका कोई तरीका नहीं है इनके पास। अब मैं आपको बता रहा हूँ डीआरडीओ की उन्होंने बात करी है, जो डीआरडीओ का आज इन्होंने वो कैंप तैयार किया है, उस डीआरडीओ के कैंप में डॉक्टर जूनियर डॉक्टरों की भर्ती की गई है। पूजा जी आप इस गंभीरता को समझिए इनकी। एम्स हॉस्पिटल ने अभी विज्ञप्ति निकाली, जूनियर डॉक्टरों की भर्ती की गई जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं, उनको डीआरडीओ के हॉस्पिटल में रखा जाएगा और वो वहां पर इलाज करेंगे। ब्लैक फंगस जैसी बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी जिसके लिए एक्सपर्ट लोग भी कम कर रहे हैं। अब आप बच्चों की बात करिए, मैं कल भी आपको बात बता रहा हूँ, एम्स हॉस्पिटल में मैंने एक व्यक्ति को जो ब्लैक फंगस से ग्रसित था उसको एम्स हॉस्पिटल भेजा, जो उत्तराखंड सरकार का अधिकृत हॉस्पिटल है, एकमात्र एम्स हॉस्पिटल, वहां पर उस ब्लैक फंगस के मरीज को लेने के लिए मना कर दिया गया कि उनके पास कोई बेड खाली नहीं है। अब आप समझिए, ब्लैक फंगस फैलने वाली बीमारी है, वो जो बीमारदार उसके साथ उसके परिवार के लोग गए होंगे उनको भी हो सकता है अगर ज्यादातर उसके साथ रहेंगे, और ये ब्लैक फंगस के मरीज को अंदर लेने के बजाय उसे कह रहे हैं कि आप जाइए हमारे पास बेड नहीं है। अब वो ब्लैक फंगस का एक मरीज कितने और लोगों को संक्रमित करेगा, इस बात को आप समझिए कि आने वाले दिनों में कितनी घातक बीमारी होने वाली है। जहां तक बच्चों की पीडियाट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, बच्चों के डॉक्टर का अभाव पूरे उत्तराखंड में 80% अभाव है। जैसे हॉस्पिटल हमारे यहाँ बने हुए हैं, 80% हॉस्पिटलों में पीडियाट्रिक डॉक्टर नहीं है, बच्चों का डॉक्टर नहीं है, उनका इलाज नहीं हो पाएगा। घूम फिर करके सारे उत्तराखंड के लोग और वेस्टर्न यूपी का पूरा लोग जो एम्स हॉस्पिटल में है वो सारे लोग एम्स हॉस्पिटल डीआरडीओ के हॉस्पिटल में आएंगे और वहां पर इतनी भीड़ लगेगी जो पैनिक होना नहीं चाहिए वो पैनिक होने की स्थिति आएगी। आज भी ये लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं और मैं समझता हूँ अगर ये तैयारी नहीं करेंगे और ज्यादा सेंटर नहीं बनाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाले दिनों में होने वाली है। ठीक है संजीव जी, बहुत ज्यादा तैयारियों की जरूरत है, ये देखिए खुद वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, सिर्फ डीआरडीओ के अस्पताल बना देने से, बेडों की संख्या बढ़ा देने से, क्या जैसा कि अभी राज्यपाल जी ने कहा कि 72 जूनियर डॉक्टरों की वहां पर भर्ती की गई है, जहां पर स्पेशलिस्ट की जरूरत है, आपको लगता है कि वहां पर जूनियर डॉक्टर की जब भर्ती होगी वो बच्चों को बेहतर इलाज मिल पाएगा? क्योंकि अभी बच्चों की बात हो रही है, बच्चों के भविष्य को देखते हुए अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में स्पेशलिस्ट की जरूरत है या जूनियर डॉक्टर्स की? मैडम एक पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जैसे कि हमारे बड़े भाई ने एक बात रखी कि 16 ग्राम सभा में 16 दिन बाद नंबर आएगा हर ग्राम सभा का, है ना, थोड़ा सा क्योंकि कुछ बातें हम सुनते हैं और बिना फील्ड में उतरे और हम बहुत सारी चीजें बोल देते हैं उसका रिजल्ट ये आता है कि हम हर चीज आरोप लगाते हैं। मेरी ग्राम सभा जहाँ पे जहाँ का मैं जिला पंचायत हूँ आठाई खत्री खड़क माप और ग्राम सभा खत्री खड़क माप का मैं निवासी भी हूँ, वहां पे अभी चार दिन के अंदर 2 बार कोरोना टेस्टिंग का हो चुका है। अगर ये बोल रहे हैं पीरियड वाला, यहाँ पे जैसे प्रधान ने रखा है कि मेरे को इतने दिन बाद मेरे को रूटीन चाहिए चेकअप का, उस हिसाब से सरकार देने को तैयार है। भाई प्रधान बोलेगा मेरे को 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर फिर रिपीट चाहिए तो वहां पे टीम आने को तैयार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हर चीज हम जो है अफवाह फैला रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो वो उसका रिजल्ट ये है कि आंकड़े भी आप गर्म लेके बता रहे हो, हमने सोशल मीडिया में तक अपडेट करा है जिस दिन जहाँ पे। दो चीज और है कि ऐसा भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर किसी को इमरजेंसी है, किसी को लगता है, अगर मेरी ग्राम सभा से लगता है दूसरी ग्राम सभा है 1 किलोमीटर के अंतर में, वहाँ पे वो चेक करवा सकता है, ऐसा नहीं कि आप उस ग्राम सभा से क्यों आए हो। एक चीज और है, और यहाँ पे 16 ग्राम सभा है, तो पीड़ित पहला मरीज उसके तीमारदार एक अस्पताल में जाते हैं, वहां बेड नहीं दूसरे अस्पताल में जाएंगे, दूसरे अस्पताल में व्यवस्था नहीं तीसरे अस्पताल में जाएंगे। एक तो परेशानी पहले से ही है, ब्लैक फंगस इतनी खतरनाक बीमारी है, उसके बाद वो अस्पतालों में धक्के खाते रहे, क्या ये व्यवस्था है? इसी व्यवस्था इसी तैयारी की बात कर रहे हैं आप? नहीं मैडम, ये नहीं है, ये अफवाह फैला रहे हैं। जब हमने बोला है कि 500 बेडों की हमारी 1000 बेड उत्तराखंड में अभी डीआरडीओ द्वारा बन चुके हैं,
और जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल थे वहाँ पे वेंटिलेटर भी हमने बढ़ाए हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल है जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट है, बेड बढ़ाए हैं। ये सारे अफवाह फैलाने वाले काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे बेड तैयार हो चुके हैं, और जो ये बता रहे हैं कि अभी तीसरी लहर आ रही है उसके लिए 100% हम तैयार हैं। एक 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 कोई ऐसी बात के 68 गांवों के हालात देख रहे हैं आप, खुद वहां के ग्राम प्रधान टेस्टिंग को लेकर लगातार पहले सवाल उठाए गए, लंबे समय तक जब सवाल उठे उसके बाद वहां पर टीम पहुंचती है स्वास्थ्य विभाग की। आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? गांव का गांव जब बीमार हो जाएगा तब वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचे, वहां पर तब टेस्टिंग हो, तब संक्रमितों का पता चले। इससे बेहतर नहीं कि अगर एक बार शिकायत पहुंच रही है वहां पर तुरंत एक्शन ले लिया जाए, तुरंत कार्रवाई कर ली जाए? मैडम, इस मामले में अभी माननीय हमारे जो प्रभारी जी हैं कोविड के, गणेश जोशी जी ने अधिकारी को डांटा भी, क्योंकि उनको शिकायत आई कि थोड़ा सा ये इनकी वो लापरवाही के कारण जनता परेशान हो रही थी। तो उन्होंने उनको डांटा, भैया तुम्हारे को सारी सुविधाएं दे दी हैं, सब चीज दे दिया है, आप इन सुविधाओं का सदुपयोग। क्या वो एक डांट, और संजीव जी, क्या वो एक डांट उन तमाम मरीजों को ठीक कर सकता है जो गलती किसी और की और वो सारे भुगत रहे हैं, और पूरा का पूरा गाँव, एक दो गाँव नहीं 98 गाँव 68 गाँव बहुत मायने रखते हैं। वर्तमान में जी आ रहे हो राजपाल जी, मैडम वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पीपी किट पहन के हॉस्पिटलों में फील्ड में उतरे हुए हैं। हमारे जितने मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री जी लेकिन आपको लगता है संजीव जी सिर्फ दौरा करने से, जायजा लेने से क्या स्थितियां ठीक हो जाएंगी? ये वो वक्त है जब सिर्फ और सिर्फ काम दिखाई देना चाहिए जनता को कि काम हो रहा है, कोई भी मरीज परेशान नहीं होना चाहिए, किसी को बेड की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी को किसी भी अस्पताल में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड में ये हालात होंगे तब जाकर वो तमाम मरीज जो सक्रिय मामले हैं वो कहीं ठीक हो पाएंगे। राजपाल भी जवाब दीजिएगा। पूजा जी, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूँ। ऋषिकेश गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 5 वेंटिलेटर थे, मैंने 2 महीने पहले ये मांग उठाई थी, और वो 5 वेंटिलेटर इस क्रूशियल टाइम में देहरादून भेज दिए गए, सिर्फ ये कहकर के ऋषिकेश में हॉस्पिटल में टेक्नीशियन नहीं है उनको चलाने वाला। अब आप देखिए क्या विडंबना है, जिस ऋषिकेश में 5 वेंटिलेटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के देहरादून भेज दिए गए, जब मैंने मांग उठाई तो हरिद्वार लोकसभा जो ऋषिकेश के सांसद है निशंक भी, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने अभी फार्मला की घोषणा करी, मैंने धन्यवाद कराऊंगा। मैंने कहा आपने घोषणा करी, हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते, अगर आपने 5 लाख रुपए देने की बात करी हमने स्वागत किया उनकी बात का, लेकिन आज इस बात का कंपटीशन हो रहा है कि वो 5 वेंटिलेटर सांसद निधि से आएंगे या फिर विधायक निधि से आएंगे या फिर उसको स्वास्थ्य मंत्री देगा। अब ये कंपटीशन शुरू हो गया, अभी तक सब सो रहे थे, कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने पर आ गई, तीसरी लहर शुरू होने पर आ गई है, और अभी तक सब सो रहे थे, अब कंपटीशन हो रहा है कौन देगा। अब आप और एक विडंबना देखिए कि 5 वेंटिलेटर दरभंगा से मंगाए गए, और मंगाने के बाद आज वो 3 दिन हो गए वो वहां पर डस्टबिन की तरह पड़े हुए हैं, उनको चलाने वाला आज भी कोई टेक्नीशियन नहीं है। ये सरकार की गंभीरता है, इस बात को आप समझिए कि सरकार कितनी गंभीर है। 5 वेंटिलेटर पहले थे, उन्हें दरभंगा भेजा, फिर वापस मंगाए गए, और आज भी यही बहाना है कि वेंटिलेटर चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है। ये हकीकत है, ये तैयारी है सरकार की कोरोना के प्रति। जब तीसरी लहर हमारे सर पर खड़ी है, बच्चों का जीवन खतरे में पड़ा है, तब जाकर के सरकार की ये गंभीरता है। और मेरे साथी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और मंत्री पीपी किट पहन करके हॉस्पिटल के अंदर घूम रहे हैं, ये कितने बड़े डॉक्टर हैं, कितने बड़े सर्जन हैं, कितने बड़े विशेषज्ञ हैं कि हॉस्पिटल के अंदर घुस करके ये लोगों का इलाज कर देंगे। अगर आज इलाज कराना है तो हमको सीनियर डॉक्टर चाहिए, हमें वो लोग चाहिए। 4 महीने के लिए डीडीएफ के हॉस्पिटल में 4 महीने की भर्ती हुई है प्राइवेट हॉस्पिटल में। आप पूजा जी समझिए इस बात को, टेम्परेरी पोस्टिंग है 4 महीने की, 4 महीने के लिए कौन स्पेशलिस्ट ऑपरेशन इसी के काम करने के लिए आएगा, आप जरा बताइए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।